इंडिया टीवी से बातचीत में बोली एनसीपी शरद गुट की नेता सुप्रिया सुले, महाराष्ट्र में महागाड़ी ताकतवर, ढाई साल की सरकार में एमवीए ने शानदार काम किया। अजीत पवार को लेकर सुप्रिया ने कहा, अजीत पवार पर पीएम अमित शाह और फडणवीस के लगाए आरोप कितने सही, उनके खिलाफ जांच ऑर्डर का क्या हुआ। सुप्रिया सुले ने कहा, बारामती के लिए मैंने और अजीत पवार दोनों ने काम किया, मेरी लड़ाई पारिवारिक नहीं विचारधारा की। दिवाली के बाद बारामती में सुबह सुबह चुनाव प्रचार में डिप्टी सीएम अजीत पवार जुटे, मलाड़ गांव के ग्रामीणों से की मुलाकात, अपने पक्ष में वोट अपील की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चुनावी वादों को लेकर महाराष्ट्र कांग्रेस को दी नसीहत, बोले चुनावी गारंटी की घोषणा बजट के आधार पर हो, नहीं तो सरकार का दिवालियापन हो जाएगा। बीजेपी के बटेंगे तो कटेंगे के जवाब में लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर में नया पोस्टर लगा, अखिलेश यादव के चेहरे के साथ लिखा, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा, कहा सपा को जनता से कोई मतलब नहीं है, इनकी सरकार में गुंडे, माफिया और बदमाश पुष्पित और पल्लवित हुए। गोरखपुर में विपक्ष पर बरसे सीएम योगी, कहा अगर धोखे में आकर ऐसी ताकतों को मौका दिया तो ये फिर गुंडागर्दी, अराजकता और दंगा कराने का काम करेंगे। सीएम योगी ने विपक्ष की तुलना राक्षसों से की, कहा ये खर दूषण्ड चंडमुंड को लेकर आ जाएंगे, कहीं ताड़का को भेजेंगे, बहन बेटियों गरीबों कारोबारियों के लिए पैदा करेंगे खतरा। जेएमएम सांसद और बांची से पार्टी प्रत्याशी महुआ मांझी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, जुमलेबाजी करना बीजेपी का एकमात्र एजेंडा, झारखंड में हमारी सरकार फिर बनेगी। कर्नाटक बीजेपी विधायक बसन गौड़ा पाटिल ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी, वक्फ संपत्तियों के राष्ट्रीयकरण की मांग की। ग्वालियर में आरएसएस के प्रचारकों की 5 दिवसीय बैठक का दूसरा दिन, 554 प्रचारक बैठक में शामिल, 4 नवंबर तक चलेगी मीटिंग। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष और अर्थशास्त्री विवेक देबरॉय का निधन, 69 साल की उम्र में ली अंतिम सांस, पीएम मोदी ने ट्वीट कर जताया दुख। जम्मू कश्मीर बीजेपी नेता देवेंद्र सिंह राणा के निधन पर पीएम मोदी ने दुख जताया, ट्वीट कर लिखा, देवेंद्र राणा का असामयिक निधन स्तब्ध करने वाला, परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हरियाणा का स्थापना दिवस आज, पीएम मोदी ने ट्वीट कर प्रदेशवासियों को दी बधाई। कलबुर्गी में 69वें कर्नाटक राज्योत्सव दिवस पर समारोह का आयोजन, मंत्री प्रियांक खड़गे ने कार्यक्रम में शिरकत की। केरल के 68वें स्थापना दिवस पर तिरुवनंतपुरम में कार्यक्रम का आयोजन, सीएमपी विजनन भी हुए शामिल। दिवाली के बाद लगा महंगाई का जोरदार झटका, 19 किलो के कमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर में 62 रुपए की वृद्धि। दिल्ली में 19 किलो के एलपीजी सिलेंडर का दाम 1,802 रुपए हुआ, 5 किलो के एफटीएल सिलेंडर पर भी 15 रुपए बढ़े। दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पहुंचे रक्षा सचिव आर के सिंह, शहीदों को दी श्रद्धांजलि। दिवाली के बाद देश की राजधानी दिल्ली में कई जगहों पर प्रदूषण बढ़ा, स्मॉग की परत देखने को मिली, वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। दिवाली के बाद दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में प्रदूषण, 396 दर्ज किया गया AQI। दिवाली के रात राजधानी दिल्ली में जमकर आतिशबाजी, आज सुबह कई जगहों पर सड़कों पर पटाखे जले हुए नजर आए। दिवाली के बाद जयपुर में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंची, शहर के कई हिस्सों में धुंध नजर आई। दीपावली में हुई आतिशबाजी के बाद मुंबई में प्रदूषण बढ़ा, कई जगहों पर देखी गई स्मॉग की परत। मायानगरी मुंबई में भी दिवाली की रात जमकर आतिशबाजी, आज सुबह कई जगहों पर दिखे जले हुए पटाखे। उत्तर प्रदेश के आगरा में भी दिवाली के दूसरे रोज प्रदूषण बढ़ा, कई जगहों पर देखी गई स्मॉग की परत, सांस लेने में हो रही है परेशानी। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में भी दिवाली के अगले दिन प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कई जगहों पर स्मॉग की परत नजर आई। दिवाली के अगले दिन अंबाला की हवा भी हुई खराब, प्रदूषण का स्तर बढ़ा, कई जगहों पर स्मॉग दिखा, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। चेन्नई में भी दिवाली के अगले दिन प्रदूषण बढ़ा, शहर के कई हिस्सों में स्मॉग की परत। दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीले झाग से मुश्किलें भी बढ़ी। दिल्ली के छावला इलाके में DTC बस में आग, बस में सफर कर रहे एक यात्री के पटाखे में आग लगने से हादसा, हादसे में 2 यात्री घायल, दोनों को अस्पताल में इलाज के लिए कराया गया भर्ती, पुलिस मामले की जांच में जुटी। राजधानी दिल्ली में दिवाली की रात कई जगहों पर भीषण आग, कल शाम 5 बजे से आज सुबह 5 बजे तक फायर ब्रिगेड के पास आई 310 से ज्यादा कॉल्स। कानपुर में दिवाली पर मंदिर में दिए से एक घर में भीषण आग लगी, पति पत्नी समेत नौकरानी की आग में झुलसने से मौत, बेटा गंभीर रूप से घायल।